Fundamental duties. The fundamental duties were incorporated in our constitution by the 42nd amendment passed in 1976. Our fundamental duty emphasizes us. First point is we should respect our constitution, their institution, the national flag and the national anthem. हमें constitution और उसके institution, national flag, national anthem की respect करनी चाहिए. एंड सेकेंड पॉइंट इज वी शुड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. हमारे जो नेशनल स्ट्रगल थे फ्रीडम के लिए उनके आदर्शों से हमें हमेशा इंस्पायर होते रहना चाहिए. एंड थर्ड पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. हमें इंडिया के सॉवरेंटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए. एंड फोर्थ पॉइंट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर्स नेशनल सर्विस. जब भी हमारे कंट्री में हमें हमारे कंट्री को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें हमेशा उसके लिए आगे आना चाहिए. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज टू प्रमोट ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. नाउ सिक्स पॉइंट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर. हमें अपने रिच हेरिटेज की वैल्यू करनी चाहिए और कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए. नाउ सेवन्थ पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स एंड रिवर्स. हमें अपने नेशनल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए और उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्योर वायलेंस. हमें अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करके रखना चाहिए और किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना चाहिए. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब दंगे वगैरह होते हैं तो लोग बसों को जलाने लगते हैं, हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज टू स्ट्राइव ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी. ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट मेड जस्टिकेबल एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. The idea of directive principle is based on the concept of welfare state. Directive principles are considered to be a fundamental basic of good governance. It means इस जो directive principles के जो ideas हैं वो concept पे based हैं. किस concept पे based है? Welfare state. It means directive principles के through ही कोई भी state एक good governance को फॉलो कर सकते हैं, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाया गया है. दिस प्रिंसिपल्स आर अप्लीकेबल बोथ टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द जिला परिषद. ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे अप्लीकेबल होते हैं एज वेल एज जिला परिषद पे भी होते हैं. द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज. Second, raising the standard of living of the people. Third is upholding international peace and security. It means directive principles का ये aim है कि हमें equal opportunity of facility provide करेगा, standard of living को raise करेगा and international peace and security को uphold करने का काम directive principles के through ही कर सकते हैं. So students, our first chapter of civics, our constitution is finished. Thank you, everyone.